नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल और हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे छत्तीसगढ़ की फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर सतीश जैन जी से। नमस्कार दोस्तों। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हैं आप, एक साल से आपका इंटरव्यू करने की कोशिश में थे। आपसे जानना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, बचपन कहाँ बीता है? मेरा बचपन बीता है भानु प्रतापपुर में। अच्छा। वो पहले बस्तर जिला था, अभी कांकेर जिला है। तो बस्तर जिले में था भानु प्रतापपुर, और भानु प्रतापपुर में मेरा बचपन बीता है। वहाँ पर मेरे माँ और मेरे पिताजी थे, दोनों टीचर थे। अच्छा। और हम लोग वहीं रहते थे। हम लोग दो भाई और एक बहन, छोटी बहन थी मेरी, हम दो भाई थे। मेरा पूरा उस समय बोर्ड जो था ना, वो 11th बोर्ड होता था, जैसे आज 10th होता है, वैसे 11th बोर्ड था। तो वो 11th तक पढ़ाई मैंने पूरे भानु प्रतापपुर में की, पूरा बचपन मेरा। तो उसके बाद फिर हायर एजुकेशन वगैरह क्या किया आपने? फिल्मों से जुड़ा कोई कोर्स किया था? नहीं, कोई कोर्स नहीं किया था। मैं हायर एजुकेशन किया, मैंने देखा क्या था, जब मैं भानु प्रतापपुर में था, बच्चा ही था, हमारे शहर में सिनेमा घर नहीं था। अच्छा। कोई टॉकीज थी नहीं, तो टॉकीज नहीं थी तो मामा का गांव पड़ता कांकेर में, मामा लोग रहते थे जी। एक मामा रहते थे धमतरी में, तो और मेरे मौसा जी रहते थे बिलासपुर में। तो हम लोग छुट्टियों में वहाँ जाते थे, राखी में, इसमें, उसमें, फलाना, दिवाली की छुट्टी। अच्छा। दिवाली की उस समय एक महीने की छुट्टी होती थी। हाँ। और गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग जाते थे। जब वहाँ जाते थे तो मेरी पहली कोशिश ये होती थी कि मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देख लूँ। अच्छा। खूब फिल्में देखता था मैं, भाग भाग के चुपचाप जाके मामा लोगों को बटा लेता था। और मामा लोग बड़े बढ़िया थे, वो जानते थे इसको सिनेमा का क्रेजी है। अच्छा। और खूब फिल्में दिखाते थे मुझे, तो वैसे हम लोग फिल्म देखते थे। कभी कभी हमारे गांव में जो ये मेला लगता था, मेला, उस मेले में टूरिंग टाकीज वाले आते थे। टूरिंग टाकीज समझ में आता जी, जी। जो टाकीज होता है चारों तरफ से घेर देते हैं, रात को ही शो होते हैं उसके, क्योंकि ऊपर छत होता नहीं अंधेरा करने के लिए। तो वो टूरिंग टाकीज गांव-गांव में घूम घूम के वो लोग दिखाते हैं, टूर करते रहते हैं, इसलिए उसका नाम टूरिंग टाकीज है। तो वहाँ पर मैं जाता था रात को। हम लोग अक्सर गर्मियों के दिन में ही मेले लगते थे, तो उस समय टूरिंग टाकीज लगता था वहाँ, तो हम लोग बाहर सोते थे। तो पिताजी को पता ही नहीं चलता था, मैं चुपचाप जाके फिल्म देख के रात को वापस आके सो जाता था। एक दिन पकड़ लिए थे, खूब पीटे थे फिर। अच्छा। हाँ। तो मतलब वो क्या चाहते थे कि फिल्में ना देखें, पढ़ाई करे बच्चा? मतलब देखो, हम उस जमाने में क्या था, वो ज़माना ऐसा नहीं था कि फिल्मों के लिए उतने लिबरल नहीं थे जी लोग, मतलब माँ बाप लोग। तो 11वीं के बाद फिर क्या किया आपने उसके बाद? तो हाँ, उसके बाद सिनेमा का जो शौक़ था मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा था जी। तो जब मैं 11वीं के बाद, देखो क्या होता है, अब मैं किसको बोलूँ कि मेरे को मुंबई जाना है? लोग, दोस्तों यारों को बोलूँगा मैं बम्बई जा रहा हूँ यार फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए, तो हंसी उड़ाएंगे। वो पहले तो ये सोचेंगे हीरो बनने जा रहा है, डायरेक्शन का झूठ बोल रहा है। डायरेक्शन क्या होता है किसी को मालूम ही नहीं था। सही बात। डायरेक्टर, कैमरा मैन क्या होता है कोई नहीं जानते थे उस समय। और ये मुंबई जाऊँगा बोलता है, तो मैं किसी को बताया नहीं, घर वालों को भी नहीं बताया। वो मेरे को अब पढ़ाई तो करनी थी ना जी, तो मैंने पॉलिटेक्निक, दुर्ग पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी ले लिया। और दुर्ग में जब आया तो फिर तो देश सिनेमा रोज। अच्छा। दुर्ग और भिलाई। हाँ। दुर्ग में देखता था, दुर्ग में कोई फिल्म नहीं मिलती तो भिलाई चला जाता था। कोई हिंदी फिल्म नहीं लगती थी तो वेंकटेश्वर टाकीज में जाके तेलुगु तमिल फिल्में देखता था। अच्छा। समझ में आती थी? नहीं समझ आती, लेकिन मज़ा आता था खूब। तो देखता था खूब फिल्में, सिनेमा ही सिनेमा, मतलब सिनेमा का दीवानगी थी मेरे मन में एक तरह की, देखा जाए। अच्छा। फिर फिल्में देखता था, उसको आकर के उस फिल्मों के ना रिव्यू लिखता था मैं खुद, कि इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, इस फिल्म में क्या गड़बड़ हो गई, क्यों ये फिल्म फ्लॉप हो रही है, ये फिल्म क्यों हिट हो रही है। तो देखते उस समय जब सिनेमा देखना शुरू किया, तो जिन निर्देशकों का मैं फ़ैन हुआ उस समय में, उसमें से एक तो राज कपूर जी थे, और एक और डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई मतलब जिसने अमारक ग्रंथनी बनाई जी, है ना, और क्या, बहुत सारी फिल्में बनाई, कुली जी, मर्द, ये नसीब, तो वो सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते थे। पता नहीं क्या उनका सिनेमा मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उनका फ़ैन हो गया था, मनमोहन देसाई का फ़ैन। लिखते कहाँ थे? जैसे आज का ज़माना है सोशल मीडिया में लोग लिख देते हैं, कई अखबारों में डायरी होता है। डायरी में लिखता था। अच्छा। अपने लिए लिखा था? हाँ, डायरी में लिखता था, और उसको ना छुपा के रखता था डायरी को। अच्छा। डरता था कोई दोस्त देख मत ले,
अच्छा। अगर किसी दोस्त ने देख लिया तो फिर मजाक उड़ाएंगे मेरा कि तो सिनेमा का शौक है ये बड़ा। अच्छा अच्छा, दूसरा जैसे कि आप हर दूसरे दिन फिल्म देखने जाते थे तो पैसे कहाँ से आते थे इतने सारे, पॉकेट मनी? पैसे हाँ नहीं, मैं हॉस्टल में रहता था मैं। अच्छा, हॉस्टल में रहता था, घर से पैसे आते थे तो घर से पिताजी तो जितना देना होता था, उनका कोटा था जो फिक्स कोटा था, वो कोटे का हिसाब किताब था। लेकिन माँ भी टीचर थी तो माँ मेरे बैग वैग में छुपा छुपा के पैसे डाल देती थी, उसको मालूम है इसके खर्चे। अच्छा। माँ माँ होती है, मतलब ये जो कीड़ा हुआ, जो शौक हुआ कहीं ना कहीं। हाँ, उसके बाद भी अगर पैसे नहीं हुए तो मेरा एक दोस्त होता था उस समय। अच्छा, उस दोस्त का नाम था हेनरी। हेनरी, हेनरी क्या बात, हॉस्टल में रहते थे हम लोग, इंग्लिश नाम है। हाँ, उसका उसके जो पापा थे वो दुबई में नौकरी करते थे तो खूब अच्छा? पैसा कमाते थे तो इसको खूब पैसा भेजते थे। और ये फैन था रेखा का, अच्छा? जीना तमान का, इन दोनों का ये फैन था। तो बस इसको इतना ही बोलना पड़ता था कि यार पिक्चर लगी है उसमें ना, यार एक फिल्म लगी है उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा थे। अच्छा। उसमें रेखा ना यार ऐसे गार्डन में सो जाती है, उसके ऊपर पूरे फूल गिरते हैं, फिर अमिताभ बच्चन उसको होठों से फूल, ओ भाई भाई चल भाई देखना है भाई, अब भी देखना है। फिर वो ला, वो हमको दुर्ग से पॉलिटेक्निक कॉलेज से, अच्छा, वो जो उस समय वो ऑटो चलते थे ना, क्या बोलते थे उसको, जो टांगा चलते थे, ऑटो ऑटो चलते थे, सात आठ लोग सवारी बिठाते थे दुर्ग लाइक टेम्पो, टेम्पो, वो टेम्पो का खर्चा उठाता था आने जाने का, टिकट का पूरा टिकट वही लेता था, चाय भी वही पिलाता था वहाँ जा करके, चाय समोसा वमोसा सब वही खिलाता था। बस उसको पता चल जाना चाहिए कि पिक्चर में रेखा है और जीना तमान है। फिर कैसे बड़ी आ गई गाड़ी? फिर वहाँ से अब कैसे बोलूँ, घर वालों को समझ नहीं आ रहा था मैं तो, अब था तो यही डायरेक्टर बनना है मेरे को, किसी भी हालत में डायरेक्टर बनना है, बम्बई जाना है। तो ऐसा भी समय आता था जब मैं पॉलिटेक्निक पढ़ा था तो लास्ट 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 फाइनल ईयर में रात को जो हम लोग एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में रात को ज़्यादा देर तक पढ़ते थे सब, तो उसके बाद चाय पीने के लिए मैं रेलवे स्टेशन जाता था। अच्छा। तो उस समय गीतांजलि ट्रेन जाती थी, बम्बई जाती थी, तो मैं सोचता था यार कितने खुश नसीब है ये लोग सब बम्बई जा रहे हैं। हाँ। अब मैं कभी बम्बई देखा ही नहीं था, अब बम्बई जाना हमारे लिए बहुत बड़ी, उस समय 1982-83 की बात है, उस समय कहाँ वो लोग बम्बई जाया करते थे, बम्बई के बारे में सोचना, बम्बई की कहानी तस्वीर इतनी खतरनाक सिनेमा वालों ने बना दी थी ना, हर गाने में देखो ना बम्बई हादसों का शहर है, तो बम्बई ऐसा बम्बई का डरावना तस्वीर बना दिए थे। अब बम्बई जाना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि उस समय क्या था, जैसे आज अभी यहाँ शूटिंग कर रहे हो, कैमरे से शूटिंग कर रहे हो, यहाँ हम लोग फिल्में बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यहीं के कैमरा मैन है, यहीं के कैमरा है, यहीं के सब काम, यहीं पोस्ट प्रोडक्शन, यहीं एडिटिंग हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ फिल्म बनती थी, कोई टेलीविज़न नहीं था, एक भी टेलीविज़न नहीं था, कोई ये चैनल नहीं थे, यूट्यूब फ्यूट्यूब तो था ही नहीं, दूर की बात थी, कोई टीवी चैनल तक नहीं था एक भी, दूरदर्शन के सिवाय, वो भी शाम को आता था दूरदर्शन का प्रोग्राम, और कुछ नहीं था। मतलब सिनेमा सीखना है मतलब बम्बई जाना है, वहाँ पर हिंदी फिल्मों में ही काम करना है, कोई ऑप्शन नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं सोचा, अरे बम्बई अखबार में एक टेक्सन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी थी, स्टील कंपनी थी। अच्छा। वो गियर वगैरह या बियरिंग्स और गियर वगैरह बनाते थे, तो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था मैं, तो मैंने उसमें एप्लीकेशन दे दिया उनको, तो उनका इंटरव्यू का कॉल आया, लेटर आया। अच्छा। बॉम्बे से, जानबूझ के बॉम्बे का ही भरा था। अच्छा, बीएसपी में मेरी नौकरी लग चुकी थी ना। अच्छा। लगने ही वाली थी वहाँ, तो लगने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा भी ऑनर्स में किया था मैं, तो 100% मेरी नौकरी वहाँ लगने वाली थी। ओके। लेकिन मैं जानता था नौकरी लगने से पहले बम्बई भागने का पूरा इरादा था, तो पिताजी को दिखाया ऐसा ऐसा है, तो पिताजी बोले बीएसपी का नौकरी करेगा तू, बम्बई जाके क्या करेगा। मैं बोला कुछ नहीं, अभी जब तक बीएसपी का कॉल लेटर नहीं आता तब तक जाकर के वहाँ एक्सपीरियंस ले लूँगा, क्या है बोले इसका तो वहाँ रहेगा कहाँ, बोले तो रहेगा कहाँ, तो मैं माँ को बताया। अच्छा, माँ को मैं सारी बात बता दी, सब समझ जाते हैं। माँ को मैं पूरी कहानी बता दिया कि मैं क्यों जा रहा हूँ, माँ का तो हालत ख़राब, रो रो के बुरा हाल हो गया। अच्छा। तो माँ की एक स्टूडेंट थी, माँ टीचर थी, उसके स्टूडेंट थी, उसके पापा थे खान साहब, तो वो खान साहब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे बम्बई में, तो उनका फ्लैट मिला हुआ था, तो माँ उनको पटाई अब मेरे बेटे के लिए रहने के लिए, तो मैं वहाँ जा कर, हाँ उस तरह से मैं गया। अच्छा, मैं एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई सिनेमा का कोई सीन घट रहा है, लेकिन ये हकीकत में हुआ था। अच्छा। जब मैं जा रहा था ना, बहुत डरा हुआ था, बम्बई के नाम से डरा हुआ था, इंडस्ट्री के नाम से डरा था, फिल्म इंडस्ट्री के नाम से, स्ट्रगल के लिए टेंशन में था, घबराया हुआ था,
माँ जब मैं जा रहा था तो माँ रो रही थी, माँ की हालत ख़राब थी, बेटा कहाँ मुंबई जा रहे हैं, वहाँ स्ट्रगल करने जा रहे हैं। तो वो माँ को भी बहुत बुरा लग रहा। अब जैसे ही मैं बैग लेके बाहर आ रहा था ना, एक गाना बज रहा था, सोचो इससे बड़ा सिचुएशनल गाना कुछ नहीं हो सकता। वो गाना था रुक जाना नहीं तू कहीं, रेडियो पे गाना बज रहा था। अच्छा, और इससे अच्छा गाना क्या हो सकता है। मेरे को लगा यार जब गाना बज रहा था ना तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ें उत्साह बढ़ाती थी, इस गाने ने उत्साह बढ़ाया। बोला शायद ऊपर वाले का कहना है कि जा बेटा, तू इशारा है कि तू ठीक कर रहा है, तू जा रहा है ठीक कर रहा है। सही गाना उससे क्या बज रहा है, मतलब जा रहा हूँ ये गाना बज रहा है सेम उसी समय। फिर मेरे छोटे भाई को भी मालूम था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था रायपुर में। अच्छा, तो रायपुर में आया, मैं ट्रेन में बैठा, वो भी आया था, तो वो भी एकदम रुआंसा हो गया था कि भैया कहाँ जा रहे हैं। और मैं चला गया मुंबई, मुंबई गया, फिर खान साहब के यहाँ रुका घाटकोपर में, और वहाँ से फिर मैं स्ट्रगल शुरू किया। मैं टेक्सन लिमिटेड यकीन मानो आज तक नहीं देखा है कहाँ पर है। अच्छा, गए ही नहीं वहाँ? गया ही नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए तो गया ही नहीं था। हाँ। तो मैं सीधा फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर काटना शुरू किया। अच्छा, घाटकोपर से जाता था उधर बांद्रा है ना, जुहू, और वहाँ पर जितने प्रोड्यूसर्स थे डायरेक्टर्स थे उनके ऑफिसेस में जाता था और काम मांगने के लिए मांगता था। बड़े एक तो मुलाकात ही नहीं हो पाती थी किसी से, किसी से मिलना ही नहीं हो पाता था। तो वहाँ जाता था तो सब लोग यही पूछते थे कि कहाँ से, किसके पास पहले काम किया है, तो मैं किसी के पास नहीं किया हूँ। पूना इंस्टीट्यूट से कुछ सीख के आया क्या, तो मैं वहाँ से भी नहीं सीख के आया हूँ। और क्या एक्सपीरियंस है, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भगा देते थे उनके लिए। तो मैं स्पॉट बॉय के लायक नहीं था। अच्छा, जो मेरा क्वालिफिकेशन था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उनको कुछ लेना देना नहीं था। और दूसरा काम वहाँ पर ज़्यादातर काम उनको मिलता था जो इंडस्ट्री के बच्चे थे ना, किसी कैमरामैन के बच्चे, हाँ किसी डायरेक्टर के बच्चे, तो उन्हीं को ज़्यादातर फटाफट रख लेते थे वो लोग अपना सेट भी करे। अरे इसमें कोई बुराई नहीं, हाँ, कोई बुराई नहीं, सही बात, हर जगह होता है ऐसा, क्योंकि अभी तो वही है जिसमें टैलेंट होता है। अब यहाँ भी कोई जैसे कोई एक्टर है, मान लो अनुज ही है, अनुज बोलेगा भैया मेरे भाई को असिस्टेंट रख लो, मैं मना थोड़ी करूँगा। सही बात है। हाँ, लेकिन अगर उसमें काबिलियत नहीं होगी तो दो तीन दिन फिल्मों बाद वो खुद ही बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो इस वही बोल रहा हूँ, तो अब वो उसमें कोई गलत नहीं है, तो ऐसा होता था। लेकिन उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री थी, उस फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबी ये थी कि अगर आप किसी तरीके से घुस गए उस इंडस्ट्री में तो वहाँ ना आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत है और ना वहाँ पर आपको किसी की जान पहचान की ज़रूरत है, ना रिश्वत, कुछ नहीं चलता वहाँ, शेयर टैलेंट चलता है। जो टैलेंटेड है उसको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे नवाजु सिद्दीकी क्यों ना हो। सही बात, ना शक्ल, ना सूरत, ना क्वालिफिकेशन, ना ऐसे गरीब घर का लड़का, एकदम गरीब झोपड़पट्टी का रहने वाला लड़का आज कहाँ पर कितना बड़ा स्टार है। सही बात। तो ऐसा वही एक इंडस्ट्री है, भले उस इंडस्ट्री की नेपोटिज्म को लेकर अभी थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा में है, बुराई करें तो नेपोटिज्म हर जगह है। सही बात। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। पहला प्रोजेक्ट कब और कैसे मिला? वो अब हो नहीं रहा था मेरा जी, कहीं पर किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने नहीं, मैं मतलब लिटरली जो बोलते हैं ना कि जूते घिस जाते हैं, कितने महीने मेरे वाकई जूते घिस गए थे, मेरे जूते ही घिस चुके थे। कितने महीने? मतलब ये हो गए 6-7 महीने 8 महीने हो गए। अच्छा, अब घर वालों को अब क्या बताऊँ, पिताजी को लेटर आ रहा है, BSP का आ गया, उसको भी नहीं गया, कॉल लेटर आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मैंने। अच्छा, उससे पिताजी गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। फिर मैं उनको बोला कि अब क्या करोगे, तो मैं बोला कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, वो काम आएगा मेरे को, तो उसके भी पैसे आ गए, भेज दिए उन्होंने उसके पैसे भेज दिए, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी नहीं किया। उस करते करते 1-1.5 साल निकल गया। हाँ। आज जब 1.5 साल निकल गया, अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी नहीं किया, नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ कोई। हाँ। अब मैं और ना काम मिल रहा है, ना कोई रास्ता दिख रहा है फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, कोई रास्ता नहीं। अब मैं डिप्रेस हो गया था, बहुत बुरी तरह से डिप्रेस हो चुका था। उस समय हालत ऐसी थी मेरी कि जब मैं गया था ना बम्बई, तो सुपरस्टिशियस हो जाते ना लोग, तो जैसे मैं चलते चलते जा रहा हूँ, अचानक मन में आया कि 4 कदम पीछे चल तेरा काम हो जाएगा, तो मैं 4 कदम पीछे चलता था। उसमें फिर मन में आता इधर उधर देख के मत चल, लोगों को देख के, अच्छा, बिना हिचकिचाए चल 4 कदम पीछे, बेशरम के जैसे। तो ऐसे चलता था। अब क्यों चलता था ऐसा, फिर मन में आता था कि फिर कभी बोला यहाँ पर पॉपकॉर्न गिरा, इसको उठा के खा ले, मन में एक विचार आया।
अब मैं उसको शर्मा के मत खा, बिंदास उठा के खा। अब मैं सोचता था यार नहीं खाऊंगा, इतने भी मेरा काम नहीं होगा, खा लेता मन में 10 तरह के विचार आने लगे। इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया था और मैं बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मन लगा कि अब उसके बाद मतलब ना मैं गाँव वापस जा सकता हूँ। अब वापस जाऊँगा तो पिताजी को क्या जवाब दूंगा, बोलेंगे तू बोला था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट दिखा, ना कोई सर्टिफिकेट है ना कुछ है, कैसे करूँ वापस जाने का। यही वक्त होता है जब इंसान सुसाइड तक के बारे में सोचता है। हाँ बिल्कुल वैसी समय में आ चुका था मैं। और मैं वहाँ पर भी खान साहब के घर में रहता था, घर से सुबह निकल जाता था और एक गार्डन में जाके बैठा रहता था। अच्छा, और कोई काम नहीं था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था एकदम, डिप्रेशन, फुल डिप्रेशन में आया उस समय सुसाइड का ख्याल। तो हाँ नहीं आया उस समय, फिर मैं सोचा कि मैं यार माधुरी का एडिटर है, उसका माधुरी मैगजीन पढ़ता रहता था मैं। अच्छा। तो उसके एडिटर थे विनोद तिवारी जी, तो पढ़ने के बाद उनको क्या लगा कि आदमी बहुत अच्छा होगा दिल का, एक बार इससे मिलता हूँ, फिल्मी मैगजीन है और फिल्मी मैगजीन का एडिटर है तो इसके पहचान है सबके साथ, कहीं ना कहीं लगवा देगा ये। तो जब मैं जा रहा था और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना उस समय, मैं गया उनसे मिला, उन्होंने कुछ बोला नहीं कर सकता ऐसा काम, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मिले वो एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई जान पहचान नहीं किसी को, उन्होंने बिना मतलब के मुझसे मिले, 15 मिनट बात की उस आदमी ने, एडिटर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन थी वो जी, बड़ी रिप्यूटेड मैगजीन थी। नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने उसमें लेटर लिखने शुरू किए माधुरी में, लेटर टू एडिटर। तो उसमें से 2 लेटर को मेरे पुरस्कार भी मिल गए, बेस्ट लेटर का मिला। फिर मैंने कहानी भेजी उसमें छपने के लिए। अच्छा। माधुरी में छपने के लिए, उस समय उसमें कहानियाँ छपती थी, तो कहानी भेजी, तो वो कहानी के लिए फिर मेरे को इनका लेटर आया तिवारी जी का कि ऑफिस में आके मिलो। अच्छा, मिलो बोले, तो मैं जा रहा था, फ्रस्ट्रेट तो था ही, तो मन में विचार आया कि उठा के खा ले, मतलब हट नहीं खाता, पीछे चल चार कदम नहीं चलता, ये जैसा बांध के रखा हुआ था उसको टूटने नहीं देता था, टूटता था फिर बांध देता था, मैं इसको तोड़ा और वहीं पर आज़ाद मैदान है टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पीछे, आज़ाद मैदान में फेंक दिया इसको, तोड़ के फेंक दिया, मतलब रिवोल्ट भगवान के साथ। और वहाँ गया, अब जब वहाँ पर एडिटर से मिला तो पहली बार एडिटर ने मतलब बहुत अच्छा लिखी हो कहानी, तुम यहाँ पर पत्रकार बन जाओ। अच्छा, और 3 इडियट के सरमन जोशी जैसा मामला है। हाँ बिल्कुल, एकदम कोई मैं एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, जो हकीकत था वही बता। ऐसा होता है जब आदमी भगवान, कभी कभी लगता है मुझे कि वो कहता है कि तुम खुद कोशिश करो। मुझे वो डायलॉग भी याद आ रहा है ना, 206 हड्डियां तोड़वाकर अब एटीट्यूड आया है। हाँ। सरमन जोशी का जो 3 डेट फिल्म का डायलॉग था, सही बात है। तो उन्होंने फिर पत्रकार की नौकरी ऑफर की। हाँ, तो उन्होंने पत्रकार की नौकरी ऑफर की। ओके। तो मैं बोला मैं तो पत्रकारिता जानता नहीं, मैंने पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वो बोले कि देखो कुछ नहीं होता पत्रकारिता, तुम लिखते बहुत अच्छा हो तो तुम पत्रकारिता कर सकते हो, बस तुमको एक चीज़ बता देता हूँ बोले कि न्यूज़ वैल्यू क्या है। उन्होंने कहा न्यूज़ वैल्यू ये है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो न्यूज़ नहीं है, अगर आदमी ने कुत्ते को काट दिया तो न्यूज़ है। नहीं खैर, अब मैं खुद भी पत्रकार हूँ लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये न्यूज़ वैल्यू की गलत परिभाषा है। हाँ, उन्होंने बताया मुझे जो कहा, लेकिन वो उन्होंने कहा होगा क्योंकि ये बहुत प्रचलित डायलॉग है। नहीं, बहुत प्रचलित डायलॉग है। तो ये इतना मेरे को पूरी पत्रकारिता समझ में आ गई, भले गलत हो ये। हाँ, पूरी पत्रकारिता समझ में आ गई। महेश भट्ट जी ने पूरी जिंदगी क्या किया है? कुत्ते को काटा है। सही बात, पूरी जिंदगी यही काम तो किया है। एकदम प्रचार में कई न्यूज चैनल अभी भी यही कर रहे हैं, कई न्यूज चैनल अभी भी यही, सारे न्यूज चैनल यही कर रहे हैं। तो वो उस जमाने में उन्होंने 83 या 84 85 की बात है, 1984-85 की बात है, उस समय कही। अब मैं पूरी पत्रकारिता समझ गया, एक लाइन, बस एक लाइन में तुरंत समझ में आ गई बात। अब मैं फिर मैंने इंटरव्यूज करने शुरू किए। हाँ। और उस समय के जितने एक्टर थे, सनी देओल है, जयकी श्रॉफ है, अनिल कपूर है, अमृता सिंह, माधुरी दीक्षित, ये सब उस समय, टीना, पूनम, पद्मिनी, ये सब रति अग्निहोत्री, ये सब उस समय के हीरोइने, मीनाक्षी शेषाद्री, इन सब के इंटरव्यू किए मैंने, खूब इंटरव्यू करता था। अच्छा। और मैं पहले मुझे इंटरव्यू देते नहीं थे वो। हाँ। मेरे पतला दुबला सा था, अमिताभ बच्चन का फैन था, वैसे ही बाल रखा था, और जाता था तो कोई अपनी अंग्रेजी भी नहीं आती थी, और अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता था, वहाँ नहीं देते थे भाव। लेकिन जब मैं इंटरव्यू करता था ना, तो इंटरव्यू में हमेशा मेरा एक्टर्स के साथ झगड़ा हो जाता था। अच्छा, बहुत झगड़ा होता था, कंट्रोवर्शियल सवालों के। हाँ, मैं क्या करता था, दूसरे जो पत्रकार थे ना, तुमने उस समय की वो पढ़ी नहीं मैगजीने। हाँ। या तो स्टारडस्ट जैसी मैगजीन आती थी जो स्टार्स को कुछ नहीं समझती थी,
स्टार्स को कुछ दूसरी जो हिंदी की मैगजीन आती थी, मायापुरी वगैरह सब कुछ मैगजीन आती थी, शायद जानते हो कि नहीं जानते, जी, जी. वो स्टार्स को भगवान बनाते थे. हाँ. अब वो अंग्रेजी की मैगजीन स्टार्स को धूल बना देते थे, स्टार का डस्ट बना देते थे, स्टार डस्ट बना देते थे. वो बिल्कुल दोनों का अप्रोच एकदम अलग था. अच्छा. मेरा अप्रोच इसमें बिल्कुल क्लियर कट था कि जो है वही. तो मैं इंटरव्यू करता था, इंटरव्यू करने में कभी सवाल क्रॉस क्वेश्चन पहले तैयार रहते थे मेरे, कि अगर ये सवाल बोलेगा तो इसका ये जवाब दूंगा, अगर इस सवाल का ये जवाब दिया तो ये सवाल करूंगा, ये जवाब दिया तो ये सवाल, दोनों रहते थे रेडी. उसमें फंस जाते थे बेचारे वो लोग. अब क्या अच्छे पत्रकार की निशानी यही है कि वो उसके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन चलते रहे. हाँ. तो वो तैयारी रहती थी और मैं पूरी स्टडी करके जाता था. तो अक्सर इनसे झगड़ा हो जाता था मेरा. हाँ. जितने लगभग अनिल कपूर से झगड़ा हुआ था मेरा, कार से उतार दिया था मेरे को. अच्छा. अमिताभ सिंह ने सैंडल निकाल लिया था मारने के लिए. तो ऐसे सारे जितने एक्टर्स थे ना, उनके साथ अक्सर मेरी लड़ाई हो जाती थी. ओके. तो उसके बाद ठीक है, पत्रकारिता में जम गया मैं. फिर मैंने क्या किया, लेकिन मेरी एक चीज़ थी, जो भी मैं लिखता था उनको स्टार्स को दिखाता था. अच्छा. कि देखो ये मैंने लिखा है. वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि ये कम से कम आता है, हमको बताता तो है, इसका छप तो रहा है किसी इतनी बड़ी मैगजीन में. माधुरी बहुत बड़ी मैगजीन थी. सही बात. उसमें छप रहा है इसका. और धीरे धीरे मैंने कवर स्टोरीज लिखना शुरू किए. अच्छा. तो कवर स्टोरीज मेरे इतने ज़्यादा पसंद करने लग गए थे लोग, कवर स्टोरीज माधुरी में, कि जो माधुरी के एडिटर थे तिवारी जी, वो मुझे बोले कि तुम माधुरी ज्वाइन कर लो परमानेंट. तो मैं बोला सर मैं तो करना नहीं चाहता था, मैं तो डायरेक्टर बनने आया था. अगर यहाँ ज्वाइन करूँगा मैं तब सुबह 10 बजे आओ, फिर शाम को 6 बजे जाओ, रोज़ ऑफिस आओ और ऑफिस जाओ, वो काम मैं करना चाहता नहीं था, फंस जाऊँगा मैं तो यहाँ. सही बात. तो मैं बोला तिवारी जी को, बोला नहीं करूँगा. तो मैं झूठ बोला उनको, बोला मैं तो डिप्लोमा है, मेरी डिग्री नहीं है. वहाँ डिग्री चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए. बोलता तुम्हारे लिए वो भी हटा देंगे, क्योंकि सर्कुलेशन मैनेजर का रिक्वेस्ट आया कि सतीश जैन को लो, इसके जो आर्टिकल आते छपते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है मैगजीन का. और ये हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे आर्टिकल थे, अमिताभ बच्चन को लेकर जो आर्टिकल लिखे मैंने, दूसरे जो आर्टिकल लिखे ना, कवर स्टोरी जो छपी उसके बहुत डिमांड. बाद में ऐसा हुआ कि एडिटर मेरे साथ बैठ के प्लान करते थे कि हम नेक्स्ट कवर स्टोरी क्या लेके आए. अच्छा. और मैं फ्रीलांसर था, वहाँ स्टाफ के पत्रकार थे, बहुत फेमस पत्रकार थे बड़े बड़े, उन सबको आँखों में खटकने लग गया था मैं. होता ना स्टाफ पर तो ये प्रॉब्लम होने लग गई थी, लेकिन मेरा उनसे कोई था ही प्रॉब्लम नहीं था मेरे को. मेरा रास्ता ही अलग था. फिर मैंने इसी तरह से सुरेश ओबेरॉय से दोस्ती हुई. अच्छा. सुरेश ओबेरॉय को मैंने बोला भाई मुझे कहीं डायरेक्टर लगवा दो. तो किसके पास लगूँगा, बोला मुकुल आनंद के पास लगूँगा, बहुत बड़ा डायरेक्टर है मुकुल आनंद. फिर मुकुल आनंद जी के पास उसने असिस्टेंट लगाया. फिर उसके बाद मैंने कीर्ति कुमार गोविंदा के जो भाई हैं उनको असिस्ट किया. हत्या फिल्म थी. अच्छा. मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं की है, दो फिल्में असिस्ट की थी, हत्या और तीसरी जो फिल्म थी राधा का संगम एक फिल्म थी. वो राधा का संगम कीर्ति जी की फिल्म थी, गोविंदा था उसमें. उस फिल्म में मैं एसोसिएट डायरेक्टर बना दिया उन्होंने मुझे. बहुत जल्दी मेरी तरक्की हो गई. अच्छा. और जब मैं उस फिल्म का काम कर रहा था उसी समय मुझे एक फिल्म लिखने के लिए ऑफर हो गई, पनाह नाम की एक फिल्म थी, नसीरुद्दीन शाह उसमें हीरो था. तो पनाह मिली तो पनाह मैंने लिखी. अच्छा. ये पहली बतौर लेखक पहली फिल्म थी पनाह. पनाह मेरे दोस्त ही बना रहे थे और उनको लगा कि वो बड़ा राइटर के पास जाएंगे तो कहाँ वो लिखेगा. इस मेरी कहानी वहानियाँ सुनते रहते तो बोले सतीश तू ही लिख कहानी इसकी. और छोटे बजट की एक फिल्म बना रहे थे, नसीरुद्दीन शाह हम पे फोकस था हमारा कि वो हो जाएगा तो हमारी पिक्चर शुरू हो जाएगी. तो मैंने कहानी बनाई, अब नसीर जी को सुनाना है. तो हम लोग नसीर जी को सुनाने गए. अब इतना बड़ा एक्टर और सुनाने के लिए फिल्म सिटी में गए तो नसीर ने देखा मेरे को, बोले ये राइटर है, बोले देखा ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरा देखा. फिर बैठे, फिर कहानी सुनाया सुने. हाँ ठीक है, बोले ओके कर दिया. अच्छा. ओके कर दिए. उसके बाद हम लोग को 2-3 महीने के बाद अचानक फिर नसीर जी का फ़ोन आया कि हम कहानी फिर से सुनना चाहता हूँ. अच्छा. अब हम लोगों को टेंशन हो गया यार ये फिर से सुनना चाहते हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ है. तो पनवेल में शूटिंग रहते थे, पनवेल के एक होटल में रुके, तो वहाँ हमको बुलाए. तो वहाँ हम लोग गए, मैं फिर से कहानी सुनाया उनको. अब इस बार और अच्छे से तैयार कर लिया था.
अब मैं तो भले मैं राइटर था उस समय, लेकिन मेरा डायरेक्शन का काम सीख रहा था, पूरा असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका था कंप्लीट, और एक्चुअल में डायरेक्टर ही था अंदर से मैं, अंदर से डायरेक्टर। तो मेरा सुनाने का जो तरीका था वो सिनेमा दिखा देता था मैं उस समय, जो मेरा नरेशन था ना पूरी फिल्म दिखा देता था बोल बोल के। तो नसीर जी को इस बार मैं बोला इस बार तो तगड़ा सुनाता हूँ और पहले से, और अच्छी तैयारी करके गया, वही पतला दुबला आदमी शर्ट लटकते थे, अभी थोड़ा मोटा हो गया, 51 किलो का यही हाइट, 51 किलो, सोचो कितना दुबला आदमी रहेगा। कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा एकदम, मतलब गाँव पूरा गंवार लगता था मैं। तो मैं गया सुनाया, फिर से सुनाया, सुनने के बाद खड़े हुए बोले गले में लगा लिए मेरे को, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट, मज़ा आ गया बोले। अच्छा, तो मैं उनसे पूछा सर आप पहले भी सुन चुके थे, आप दोबारा क्यों बुलाए सुनने के लिए? तो बोले क्या था, जब तुम पहली बार आए थे ना तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था उससे मैं लगा यार ये कहाँ से, ये कोई राइटर राइटर क्या होगा, ये क्या लिखेगा पिक्चर, ऐसा लगा मुझे। लेकिन जब तुम सुनाए तो अच्छा लग गया, जब अच्छा लगा तो मैं सोचा कहीं इसलिए तो अच्छा नहीं लगा कि इसको अंडर रेट किया था मैं। अच्छा, कोई थोड़ी बहुत अच्छी सुनाया होगा और अंडर रेट किया था इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। तो मैं सुनना जानना चाहता था कि एक्चुअल में अच्छी है कि नहीं कहानी। तो आज सुना तो मुझे लगा कि वाकई कहानी बहुत अच्छी है बोले। अच्छा, मैं करूँगा फिल्म बोला, एकदम खुश हो गया था, बहुत अच्छी जॉब बनाओ बोले। फिर पिक्चर शुरू हुई बना, मेरी पहली फिल्म थी एज ए राइटर। उसके बाद कितनी फिल्म बतौर राइटर आपने? उसके बाद वो फिल्म पनाह में नसीर के अलावा कोई स्टार का था नहीं, प्राण जी थे, नसीर था जी, और किरण कुमार था, बाकी सब नए चेहरे थे उसमें। अच्छा, तो वो फिल्म उसके बावजूद भी पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई थी, यहीं राज टाकीज में फिल्म 4 हफ्ते चली थी। अच्छा, और यहाँ पर 5-7-8 हफ्ते यहाँ चली थी चंद्रा टाकीज भिलाई में, बम्बई में, सब जगह फिल्म बहुत अच्छी गई थी, जो भी बिना स्टार कास्ट की फिल्म थी और बहुत अच्छी गई थी और फिल्में बहुत तालियाँ बजती थी। अच्छा, तो फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम हो गया है, सतीश जैन एक राइटर आ गया है करके, नया तो राइटर है, कुछ लिखा है फिल्म, छोटी सी फिल्म लिखा है, वो तो बहुत कम बजट की फिल्म थी, बहुत छोटी सी फिल्म थी। तो उसके बाद फिर फिल्में लिखने आने लगी इधर उधर से, तो मैं यार मैं बोला फंस जाऊँगा, राइटर बन गया ना तो मैं डायरेक्टर नहीं बन पाऊँगा। तो मैं कोई फिल्म नहीं लिख रहा था, अच्छा, सबको मना करता गया। तो उसमें से एक डायरेक्टर था विमल कुमार, उसको भी मना कर रहा था मैं नहीं करूँगा। अब गोविंदा के साथ मेरे फैमिली टर्म्स थे, अच्छा, उनके भाई का असिस्टेंट था, असिस्टेंट मतलब बाप जैसा होता है, डायरेक्टर बाप जैसा होता है, तो रोज उनके घर जाता था, वो गोविंदा के घर में ही रहते थे कीर्ति जी, तो रोज उनके घर में मतलब गोविंदा के घर में रोज जाता था, और उनका असिस्टेंट था तो गोविंदा भी अपने दोस्त जैसे मेरे को बर्ताव करता था, घर में रोज आना जाना, उसकी माँ के साथ बैठ के बात करना, सब वो सब था। तो गोविंदा के भी आने लगे, गोविंदा बुलाया, बोला बहुत तेरी तारीफ है यार, तू लिखा है पिक्चर, तू मेरी पिक्चर ही लिख सब। तो मैं बोला लिखूंगा, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो पिक्चरें तो लिख, अपन प्रोजेक्ट कोई ना कोई बना लेंगे दूसरा बोले। अच्छा, तो फिर फिल्म ने तो लिख बोला। तो उसके बाद फिर विमल कुमार की एक फिल्म लिखा, और फिर ये मेरा जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन हो गया। कौन सी फिल्म थी? नहीं, विमल कुमार के साथ फिल्म लिखना गलत डिसीजन नहीं था, डिसीजन ये गलत हुआ मेरा कि मैंने जो राइटर, अच्छा, राइटर बनने का डिसीजन ही गलत हो गया। हाँ, वो डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि मैं जो पनाह मेरी फिल्म अगर आप देखेंगे तो वो उस समय के हिसाब से एक क्लास फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी लेकिन एक क्लास फिल्म थी। अब मुझे क्या गोविंदा की सारी फिल्में लिखनी थी, वो सारी फिल्में मासेस वाली फिल्में लिखनी पड़ी, कमर्शियल मासेस वाली, ड्रामा, मेलो ड्रामेटिक फिल्म, तो वो मेलो ड्रामा लिखना पड़ा, और वो मेरा फोर्ट नहीं था। मैं कुछ अलग तरीके की फिल्में लिखना चाहता था, करना चाहता था, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्लॉट थे मेरे पास, तो वो करना चाहता था और करना पड़ रहा था कुछ और, जिसमें मेरा कन्विक्शन नहीं था, जिसमें मेरा मज़ा नहीं था, जिसमें टेस्ट नहीं था मेरा, तो मैं खुश नहीं था। कर रहा था फिल्में, वो फिल्में कुछ चल रही थी, उसके बावजूद भी पिक्चरें मेरी एक दो फिल्में चल गई, जबकि मैं बहुत दिल से काम नहीं कर पा रहा था। अच्छा, उसके बावजूद भी मेरी फिल्म जैसे दुलारा थी वो चल गई, परदेसी बाबू थी वो चल गई, हद कर दी आपने वो काफ़ी चली थी फिल्म, तो ये फिल्में चल भी रही थी और मेरे को काम लगातार मिल रहा था। अच्छा, समस्या क्या थी कि अब मैं पैसे बहुत मिल रहे थे उसमें, हिंदी फिल्मों में पैसा बहुत होता है। सही बात, उस जमाने में मेरे को 4-5 लाख रुपए फिल्म लिखने के मिल जाते थे। अच्छा, एक फिल्म के तो बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय, उस जमाने का 4-5, यानी आज की डेट में, हाँ, मतलब 1995 के बाद 1995 में 4-5 लाख मिल जाते थे फिल्म लिखने के लिए। तो अब करोड़ तो नहीं, 30-40 लाख के बराबर हो गया आज के ज़माने का। तो वो एक अलग अट्रैक्शन भी था। उससे मैं क्या हुआ, मेरी लाइफ स्टाइल ठीक हो गई, मैं कार खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, उस समय मोबाइल बहुत महंगा होता था, फ्लैट ले लिया अच्छा सा,
एक सर्वेंट रख लिया खाना बनाने के लिए, सब देखने के लिए, तो अपनी लाइफ स्टाइल को मैंने एकदम अपग्रेड कर लिया। अब उसको छोड़ नहीं सकता, अगर उसको छोड़ के स्ट्रगल करूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको मैंने अपना बढ़ा लिया, सब खर्चे बढ़ा लिए थे, अब मजबूरी में लिख रहा था, फिर हद कर दी आपने में कि शूटिंग में हम लोग गए थे स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड में मैंने देखा कि जो फिल्म थी ना, मैंने लिखी कुछ और थी और बन कुछ और रही है। इस बात को लेकर मेरा डायरेक्टर के साथ झगड़ा हुआ। विमल कुमार जी से? नहीं, विमल कुमार नहीं थे उसका डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर था मनोज अग्रवाल। अच्छा, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ तो उसमें गोविंदा ने इंटरफेयर किया और गोविंदा ने उसमें मेरा साथ नहीं दिया, उसने मनोज का साथ दिया। मेरे को बुरा लग गया, ये पहली बार ऐसा किया था उसने। अच्छा, तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, मैं सीधा वहाँ से बोला, मेरे टिकट कटा, मैं वापस जाना है मेरे को, और मैं बम्बई आ गया। बम्बई आया, फिर ये लोग आए वापस, शूटिंग करके आए और एडिट वेडिट किए होंगे फिर। तो मेरे को प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, सतीश ये क्या पिक्चर लिख दिया तू, कुछ न सर है न पैर है पिक्चर का। तो मैं बोला यही बात तो तुम लोगों को बोल रहा था वहाँ में। अच्छा, समझा रहा था कि पिक्चर की ऐसी तैसी हो रही है, तो तुम लोग मेरी बात ध्यान नहीं दे रहे थे, मेरी बात सुन नहीं रहा था कोई, सब लोग मनोज की बात सुन रहे थे। तो फिर बोले नहीं अब इसको ठीक कर। मैं बोला पहले जो स्क्रिप्ट लिखी उसकी तुम लोग ऐसी तैसी कर दिए हो, अब बोलते हो उसको ठीक करो। यहाँ बीप बीप जो है ना वो हाँ, अब उसको फिर से ठीक करो। तो मैं गया फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन किया। हाँ, फिर एक राइटर की और मदद लिए फिर। अच्छा, वो उसमें भी प्रॉब्लम क्या हुआ था कि गोविंदा के साथ ही मेरे फिर प्रॉब्लम हो गया था, क्लाइमेक्स को लेकर के झगड़ा हो गया हम दोनों का। उसके बाद मैं थोड़ा छोड़ यार वाला, हिंदी फिल्म में लिखना ही नहीं मेरे को, मेरे को वैसे भी डायरेक्टर बनने आया था, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मेरे को लिखना ही नहीं, कसम खा लिया। अच्छा, जबकि उसी समय मुझे अक्षय कुमार की एक फिल्म और बॉबी देओल की एक फिल्म का ऑफर आया था, जो मैं गोविंदा से हटना चाहता था। इन लोगों के दरमियान गोविंदा की फिल्मों की मेकिंग नहीं होती थी, लेकिन इनकी फिल्मों की मेकिंग होती थी। अक्षय कुमार है, बॉबी देओल है, सनी देओल है, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी फिल्मों की मेकिंग होती थी। तो मैं हटना चाहता था उससे, तो और इन दोनों की फिल्मों के ऑफर आ गए थे। अच्छा, लेकिन मैं सोच लिया था कि मेरे को नहीं लिखना ही नहीं, मेरे को मैं डायरेक्टर ही बनना है। और डायरेक्टर उस समय बना नहीं रहे थे मुझे प्रोड्यूसर, उसका कारण क्या था कि जितने राइटर डायरेक्टर बने थे सबकी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अच्छा, तो वो वहाँ पर उसे सब ने सोच लिया कि राइटर अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वो मुझे कोई ब्रेक नहीं दे रहा था डायरेक्शन का, मैं बहुत कोशिश कर रहा था। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं यार छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ी में कोई फिल्म नहीं बनी आज तक, तो मैं फिल्म बना देता हूँ वहाँ छत्तीसगढ़ी की फिल्म। और एक आके तो एक सपना था भी छत्तीसगढ़ी फिल्म में कभी बनाऊँगा, तो कभी क्यों, आज ही बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ। अच्छा, उस समय मुझे मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ी में दो फिल्में पुरानी 35 साल पहले बन चुकी है, ये मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, मैं सोचता था मैं जो बनाऊँगा वो पहली फिल्म होगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी की, खैर वो अलग चीज़ है। और इस तरह से छैयां भुइयां का विचार मन में आया। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ रायपुर से। हाँ, उसके बाद सर मोर छैयां भुइयां के बारे में जानना चाहेंगे, उसकी मेकिंग की क्या कहानी है, उसके लिए स्टार कास्ट आपने कैसे तय की, फिल्म के समय क्या तनाव था, पैसा कहाँ से जुटाया आपने? हाँ, जब फिल्म बनाने का सोचा मैं, तो राइटिंग से जो थोड़े बहुत पैसे मैंने कमा के रखे हुए थे जो मेरे पास थे, खर्चीला बहुत था तो ज़्यादा पैसे थे नहीं मेरे पास। अच्छा, तो जो भी पैसे थे मैं सोचा यार अब खुद की फिल्म बनाऊंगा, दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म बनाऊंगा, दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म बनाऊंगा तो इंटरफेयर करेगा, तो वो जो चाहता हूँ वो बना नहीं पाऊंगा, तो फ़ायदा फिर वहीं का वहीं रह जाऊंगा मैं जहाँ पर हूँ अभी मैं। तो मैं घर वालों से बात किया, माँ और पिताजी से, तो ये लोग टीचर थे। तो अभी क्या था, मैं बम्बई में मैं भी कमाने लग गया था, मेरा भाई भी इंजीनियर था, वो उसकी कोल इंडिया में नौकरी लग गई थी, तो छोटा भाई था, तो अब माँ पिताजी के पैसे बच रहे थे, मैं उनको बोला कि कुछ पैसे की मदद हो जाएगी क्या, तो तैयार हो गया, एकदम सहज तैयार हो गया, मेरा छोटा भाई भी तैयार हो गया पैसे देने के लिए, मेरी बहन का हस्बैंड बीएसपी में इंजीनियर थे तो वो भी तैयार हो गए मदद करने के लिए। और कुछ पैसे पिताजी ने अपने रिश्तेदारों से, हमारे जो रिश्तेदार हैं, मेरे ताऊ जी जैसे थे, मेरे जो ताऊ जी हैं उन ताऊ जी से भी पिताजी ने पैसे लिए थे 2 लाख रुपये, उन्होंने तुरंत दे दिया था मेरे नाम पर। अच्छा, हाँ, सब ने मना किया था कहाँ दे रहे हो पैसा, डूब जाएगा पैसा, ऐसा वैसा, लेकिन वो दे दिए थे, तुरंत दे दिए थे अपने पैसे। तो वो इस तरह से
थोड़े पैसे जमा हो गए 12-13 लाख रुपए। उसके बाद मुझे फिल्म बनाना था तो मैंने कहानी सोची, क्या कहानी रखूँ इसका मैं। तो मैं सोचा यार कहानी, मैंने जो स्ट्रगल अपने दुर्ग में जो पॉलिटेक्निक में जब पढ़ाई करता था, मैं पढ़ते समय मैंने 2-3 कहानियाँ बना ली थी। अच्छा, फिल्में देखते देखते, जो फिल्में देखता था उनके रिव्यूज़ लिखता था, उस समय मैंने 2-3 कहानियाँ बनाई थी। तो ये कहानी जो छैया भुई की कहानी उस समय की कहानी थी। तो अच्छा। कहानी मुझे लगा यार वो कहानी में बात है, छैया भुइया की कहानी में बात है, इस कहानी पे बनाता हूँ। ये कॉलेज की कहानी है, यंगस्टर्स को पसंद आएगी, और मतलब आज की कहानी उस समय की, मतलब जिस समय जमाने के दौर की, हाँ, जो 2000 में फिल्म बनाई तो 2000 के पीरियड की कहानी थी वो। उस समय जो कॉलेज कैसे होते थे, क्या एजुकेशन के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थे, वो सारी चीज़ें उस कहानी में थी। तो मैं बोला यार इस कहानी को बनाता हूँ मैं, और उस कहानी में मैंने एक नया एंगल डाल दिया कि पहले कहानी शहर की थी, कॉलेज के दो भाइयों की कहानी थी, कॉलेज में पढ़ते दो भाई, दोनों भाइयों के कन्फ्लिक्ट की कहानी थी। फिर मैंने उसमें एक एंगल डाला कि गांव से उसका बच्चों का जो बाप है वो गांव से आया है, और गांव से आकर के माँ बाप को छोड़ दिया है गांव में, उसके बूढ़े माँ बाप किसान है उनको वहीं छोड़ दिया है, और यहाँ आके सेटल हो गया है, फिर भूल गया अपने माँ बाप को। और फिर जो पोता वापस गांव जाता है और दादा दादी के पास जाता है, उनके साथ मिलकर खेती करता है, ये एक एंगल मैंने इसमें बाद में डाला। मुझे लगा कि कोई इमोशनल चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा हुक होना चाहिए, कोई ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए जो लोगों को एकदम पकड़ ले। और वाकई इस बात ने लोगों को ज़बरदस्त पकड़ा। जब क्लाइमेक्स में बेटा पोता जब गांव जाता है ना दादा दादी के पास, तो लोग रो देते हैं, थिएटर में रो देते थे लोग, 100% लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, खुशी के आंसू आ जाते थे। तो मैंने ये कहानी सेलेक्ट की। अब मैं सोचा कहानी में क्या रखूँ जो लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना लगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप हिंदी फिल्म देखते हैं तो हिंदी फिल्म मतलब हिंदुस्तान की फिल्म है, और हिंदुस्तान तो इतना कलरफुल है, गुजरात अलग है, पंजाब अलग है, साउथ अलग है ना, राजस्थान अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, बिहार अलग है, बंगाल अलग है, सबकी अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग पहनावा है, अलग खान पान है। तो वो कहीं की भी कोई चीज़ उठा के अगर डाल देते हैं, पंजाबी टच का गाना डालते हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बंगाली कोई टच का गाना डाल देते हैं, बंगाली गाना जो एसडी बर्मन ने लेके आया वो सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब पंजाबी लोग बहुत थे इसमें, तो पंजाबी लोग पंजाबी चीज़ें लेके आते थे, गुलजार है, आनंद बख्शी है, और भी जितने सब सारे हीरो तो वहीं के थे, धर्मेंद्र वहीं का था, सुनील दत्त वहीं का था, देवानंद वहीं का था, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेते थे लोग क्योंकि वो किसी रीज़न के नहीं थी। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहा हूँ तो सडनली लोग पजेसी हो जाएंगे। मुझे मालूम था कि जो ऑडियंस है पजेसी हो जाएगी, इसमें हमारा क्या है भाई, छत्तीसगढ़ी में चाहिए होता, हाँ चीज़ तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या है इसके अंदर। तो मैं सोचा यार अगर मैं छत्तीसगढ़ की कहानी बना रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, और आज की कहानी बना रहा हूँ। अगर मैं इसको बना दूँ गांव की कहानी, धोती कुर्ता पहना हुआ हीरो है और वैसे ही साड़ी पहन के लड़की को रख दूँ पूरी फिल्म में और कहानी बना दूँ, तो मुझे लगा कि आज के जो यंगस्टर्स हैं उनको शायद पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। अब ऐसा हो नहीं रहा है, अब गांव में भी लोग जींस पहनने लग गए हैं, लड़के लड़कियाँ नहीं पहनती थी, जो आज लड़कियाँ भी गाँव में पहनने लगी हैं जींस वगैरह स्कर्ट वगैरह पहन रही है, पहले नहीं पहनती थी गांव की लड़की, गांव की लड़कियां सलवार सूट ही पहनती थी, लेकिन लड़के जीन्स पैंट पहनना शुरू कर दिए थे, टी शर्ट वगैरह। तो मैं बोला नहीं, मैं तो आज की कहानी बनाऊंगा, मेरा कॉस्ट्यूम भी आज का रहेगा। तो मैंने कॉस्ट्यूम डिसाइड किया कि जो दादा दादी थे, दादा दादी को तो बिल्कुल टिपिकल गाँव के कॉस्ट्यूम में रखूँगा, दादा को भी धोती कुर्ता दिया, उसका बाप क्लर्क था तो उसको पैंट शर्ट दिया है ना, और लड़कों को कॉलेज के लड़के थे तो उनको जीन्स टी शर्ट वगैरह दिए, इनको दिए ट्राउज़र्स वगैरह दिए। अब लड़कियों की बारी आई तो मैं सोचा लड़कियों में जो छत्तीसगढ़ की लड़की थी जो बड़े भाई की गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने सलवार सूट में ही दिखाया पूरी फिल्म में, क्लाइमेक्स में साड़ी पहन के आती है क्योंकि शादी हो चुकी है उसकी, एक्चुअल में ऐसा होता है यहाँ। एक लड़की बम्बई से लेके आया जो बम्बई की लड़की थी, उस लड़की को मैंने लिबर्टी ली, थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह पहना दिए उसको, स्कर्ट वगैरह पहना है बम्बई के, तो हाँ उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बम्बई की लड़की ऐसे पहन सकती है। फिर एक बहुत खास चीज़ है, शायद नोट किया लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं अंदर अंदर उनको महसूस किए होंगे, शायद कह नहीं पाते होंगे लेकिन महसूस किए होंगे। ध्यान से देखना उस फिल्म को, मैंने पूरी अच्छी तरह से सोच लिया था कि उस जमाने में ओपनली रोमांस नहीं होता था छत्तीसगढ़ में,
हाथ तक नहीं पकड़ते थे गार्डन में जाके, जिस तरह से आजकल हो रहा है यहाँ पर, अब शुरू हो गया यहाँ, पहले वैसा नहीं था। खुल्लम खुल्ला मिलना, खुल्लम खुल्ला बातें करना, वो सब था नहीं था। तो मैंने पूरी फिल्म में दोनों हीरो सिर्फ हीरोइन के हाथ पकड़ते हैं। अच्छा, पूरी फिल्म में ध्यान देख लेना, कहीं दोनों हीरो ने कहीं भी हीरोइन को गले से नहीं लगाया, एक बार भी गले से। बहुत सारी चीज़ों को बारीक तरीके से ऑब्जर्व किया। हाँ, अब वो लोगों को शायद कहीं ना कहीं छुई, टच की, उनको लगी अपनी चीज़ लगी फिल्म। तो फिल्म पर्याप्त पैसों में बन गई थी या फिर और जुगाड़ करना पड़ा? हाँ, तो नहीं, अब उसके बाद उतने पैसे में नहीं बन पाई थी फिल्म। पैसों की तो बहुत तकलीफ आई थी फिल्म बनाते समय, बहुत ज़्यादा तकलीफ आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आर्टिस्ट का जो सिलेक्शन करना था, तो मैं चाहता था कि जो फिल्म के जो हीरो हैं वो सब जो है वो लगना चाहिए लोगों को अपने आस पड़ोस का कोई है, उसको कोई फिल्मी कीड़ा काटा हुआ नहीं हो, मतलब जो उसकी एक्टिंग हो, उसकी एक्टिंग दो तीन तरह की एक्टिंग होती है। एक एक्टिंग होती है सिनेमा वाली एक्टिंग, जो उस समय में हुआ करती थी 80s 90s में, राजकुमार टाइप के, अमिताभ बच्चन टाइप की, धर्मेंद्र टाइप की, है ना, स्टाइल, शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग सब स्टाइलाइज एक्टर थे। तो कुछ लोग थे जो स्टाइलाइज एक्टिंग करते थे, उनकी नकल करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार की नकल करते थे। मैं वो भी नहीं चाहता था, मैं ये थिएटर वाली एक्टिंग भी नहीं चाहता था, जो थिएटर में एक्टिंग होती थी वो भी नहीं चाहता था, मैं चाहता था नेचुरल लगे। तो उसके लिए जब मैं हीरो के लिए मैंने ऑडिशन रखा, बुलाया सबके लिए, मिलने के लिए बुलाया, तो उसी समय मैं भास्कर में, अच्छा, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मुझे। अच्छा, तो भास्कर में गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि शेखर सोनी था, एक पत्रकार था भास्कर का, उसको बोला कि इसका इंटरव्यू कर दे यार, डाल दे। तो मेरा इंटरव्यू कर रहा था वो मेरा इंटरव्यू कर रहा था, और मैं उसका जो बोल रहा था, जिस तरह से बातें कर रहा था वो, और मैं उसका चेहरा देख रहा था, अब मेरे को लग रहा था यार ये जो है ना बड़े भाई के रोल में एकदम फिट है, मेरा बड़ा भाई लग रहा है इसके कैरेक्टर में। अच्छा, तो जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो भास्कर और नवभारत के बीच में चाय की गूंडी लगती है, पुरानी, रात को भी चलती है पत्रकारों के लिए खासकर, अभी भी चलती है। तो वहाँ पर बोला भैया चाय पीते नीचे, तो मैं बोला चल भाई पीते। चाय पीते पीते मैं उसको बोला यार तू मेरी पिक्चर का हीरो बनेगा क्या? उसके हाथ से चाय का गिलास छूट के, अच्छा, फिर वो बोला हाँ भैया दूसरे मैं आपको सोच के बताता हूँ बोला, और दूसरे दिन से शेखर सोनी पीछे पड़ गया मेरे को, भैया हीरो बनना है मेरे को, करना है एक्टिंग करना है, मैं परमिशन भी ले लिया हूँ बोला। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा हीरो मिल नहीं रहा था, जब हम शूटिंग के लिए आए यहाँ पर तो उस समय कोई दूसरा हीरो मिल नहीं रहा था मुझे, तो कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे ऊपर दबाव ये था कि जो दो एक दो लड़के मैंने सेलेक्ट किए थे उन लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, जब मना कर दिया तो कैसे करूँ, तो दो दिन पहले शूटिंग के दो, तो मैंने लगभग सबने क्या बोला कि मेरे को बोले कि आप ही कर लो ये रोल। अच्छा, छोटे भाई का रोल। तो मैं बोला यार मैं डायरेक्शन भी करूँगा, प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, और एक तो बहुत परेशानियाँ बहुत आ रही थी। हाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी इधर उधर से। तो मैं बोला कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर मैं अब मिल नहीं रहा था तो मैं मूड बना लिया कि चलो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, उस समय अच्छा दिख रहा था के रोल में, आपने अपने आप को फिट कर लिया था कि ये रोल मैं करूंगा। हाँ, उस समय मैं बहुत स्मार्ट भी, इस बारे में बात होगी बाद में। तो उस समय मैं अपने आप को, उस समय दिखता भी अच्छा था, मैं यंग था। अच्छा, है ना, तो ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी। हाँ, तो मैं बढ़िया दिखता भी था, और मैं एक्टर भी अच्छा था, डांसर भी बहुत अच्छा था। अच्छा, डांस बहुत अच्छा करता था मैं, तो वो सब मैं सोचा कि चलो कर लेता हूँ, लेकिन मन नहीं था मेरा, मैं चाहता था कि मेरे को ये हीरो मिल जाए। तो शूटिंग के दो दिन पहले मितेश लेकर आया, अनुज को लेके आया मेरे पास भिलाई में अपने सिस्टर के घर में रुका हुआ था, मैं वहाँ लेके आया। अनुज को देखते ही मेरे को लगा कि यार ये मेरा छोटा भाई जैसा है, जो करेक्टर है छोटे भाई का बिल्कुल मिलता है। अच्छा, तो मैं उसको, उस समय क्या था, अनुज था ना, अनुज सेल्समैन था। हाँ, सेल्समैन मतलब फुल स्लीप, पूरे बटन लगा के, मांग में कंघी करके, पूरा मांग निकाल के, एकदम फिट, जूते पहन के, शर्ट को अंदर करके, ऐसे वाला था। वैसे ही आया भी था, वैसे ही मेरे पास आया था, लेकिन फिल्म में जो अनुज का करेक्टर था वो रफ टफ करेक्टर था ना वो। तो मैं उसके बाल वाल बिखेर दिया, वो समझ नहीं पा रहा था कर कर रहा है। मैं उसके बटन खोल दिए शर्ट के, बोला शर्ट बाहर निकाल, शर्ट बाहर निकाल दिया, बोले इसको फोल्ड कर, बोला पूरा इसको फोल्ड करवाया। हाँ, मैं बोला ओके, बोला वो खुद सब कन्फ्यूज था कि भैया कर क्या रहे मेरे साथ। उसके बाद उसको मैं फाइनल कर दिया। इस तरह से फिर सारे लोग फाइनल हुए, फिर फिल्म की शूटिंग हुई। तो हमारी शूटिंग थोड़ी सी अटक गई थी एक जगह, हम लोग के पैसे शॉर्टेज हो गए थे। अच्छा, पैसे शॉर्ट होने की वजह से क्या, पैसा ख़त्म हो गया था, तो
और जो हमारे टेक्नीशियन थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, पेमेंट नहीं कर पा रहे थे उनको, स्ट्राइक कर दिया, तो मेरा कुछ जो पोर्शन था रह गया शूटिंग करने का। अब क्या करें, तो पैकअप करना जरूरी था, तो घर वाले भी बोले बहुत तकलीफ में आ गए थे, वो लोगों को ये सब चीज़ देखा नहीं था, इस तरह की चीज़ें टीचर लोग थे बेचारे, हाँ, सही बात, सब नौकरी सरकारी नौकरी वाले लोग, तो सबको बहुत अजीब लग रहा था कि जिस तरह से लोग बदतमीजी कर रहे थे, यूनिट के लोग टेक्नीशियन बम्बई से आए थे सबके साथ। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों ने शूटिंग ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर बम्बई चला गया, बम्बई गया मैंने एडिट की फिल्म को, एडिट किया तो फिल्म 1.5 घंटे की बन गई। अच्छा, अब 1.5 घंटे की फिल्म, मैं सोचा यार 1.5 घंटे की फिल्म लेके जाऊंगा मैं, लोग जब इंटरवल होता है तब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, जितने देर में इंटरवल होता है उतने देर में पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में तो मज़ा नहीं आएगा, तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ, मेरी पूरा सपना चूर चूर लग रहा था मेरे को। फिर अब पिताजी लोगों ने फिर से पैसों का इंतजाम किया, कैसे कैसे किए क्या किए मालूम नहीं मेरे को, उस समय शायद खेत को गिरवी रखे थे और कुछ जेवर बेचे थे। अच्छा। गिरवी रखे थे, जेवर को भी गिरवी रखा था और खेत को भी गिरवी रखा था, हमारे खेत थे, उसके बाद पैसा भेजे वो, और उसके बाद मैंने फिर से शूटिंग की बम्बई में की शूटिंग की। अच्छा। सबको बम्बई बुलाया, अब बॉम्बे में शूटिंग की, एक दिन की शूटिंग में मैंने 15 मिनट का पोर्शन, 15 से 20 मिनट का पोर्शन शूट किया। अच्छा। और फिल्म जाकर बन गई 1:50 मिनट की फिल्म लेंथ आई टोटल, 1 घंटे 50 मिनट, और उसके बाद फिल्म पिक्चर कंप्लीट हो गई, और फिर रिलीज़ करना था फिल्म को, फिल्म को रिलीज़ करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम रिलीज का पब्लिशरी कैसे करें, पोस्टर कैसे बनवाएंगे, पोस्टर बहुत महंगे बनते थे उस समय, पोस्टर कैसे बनाए, प्रिंट लेना था मेरे को लैब से, 3 प्रिंट चाहिए थे, 3 प्रिंट के लैब का पैसा नहीं दिया था, एक भी पैसा नहीं दिया था, जब तक लैब के मैं 3.5 लाख नहीं दूंगा तब तक लैब मेरे को प्रिंट नहीं देगा। अच्छा। तो मैंने उनके जो लैब था, एड लैब के मालिक थे मनमोहन शेट्टी जी, वो बहुत बड़ी हस्ती थी फिल्म इंडस्ट्री की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती थी, तो उनके पास मैं गया, वो बोले नहीं प्रिंट नहीं मिलेंगे, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, जो हमारा ऐसा आज तक नहीं हुआ है, बोले। तो मैं बोला सर देखिए, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मेरी पिक्चर कभी ज़िंदगी में रिलीज़ नहीं हो पाएगी, तो आपके जो पुराने 1.5 लाख 1.75 लाख रुपए पड़े हुए हैं प्रोसेसिंग के लैब के, वो पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे, वो भी आपका डूब जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे 3 प्रिंट बना के देते हैं, 3 प्रिंट मतलब 1.5 लाख के 3 प्रिंट बनेंगे, तो वो 1.5 लाख रुपये देंगे तो मैं आपको आपके पैसे पूरे पैसे लौटा पाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिल्म बहुत हिट होने वाली है, अदरवाइज आपके 1.5 लाख भी डूब गए, आप सोच लीजिए, बोला आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिर बोला अभी। वो पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस था क्या था, वो एकदम आदमी देखा मेरे को और बोला ठीक है दे दो इसको प्रिंट, बोले। अच्छा। अब वो 3 प्रिंट मिल गए, और विमल कुमार जी ने काफ़ी मदद की मेरी। अच्छा। और उन्होंने मतलब पैसे दिए, और उसके बाद उससे पोस्टर बने, पोस्टर को भी उन्होंने फ्री में बनवा दिया, फ्री में मतलब कम कीमत, नहीं कम कीमत में नहीं, फ्री में मतलब पैसे बाद में दूंगा। अच्छा। अपने अपने रिस्क पे बनवा दिया, उन्होंने गारंटी ले ली उसकी। अच्छा। तो पोस्टर भी आ गए, फिर प्रिंट लेके मैं रायपुर आ गया, फिर हम लोगों ने अब पिक्चर को लगाना था टॉकीज में, कोई टॉकीज वाला छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए तैयार नहीं था, बोले हिंदी फिल्म तो चल नहीं रही, छत्तीसगढ़ी कौन देखेगा। अच्छा। और उससे पहले 2 फिल्में बन चुकी छत्तीसगढ़ी की, दोनों फिल्में नहीं चली हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं चल सकती, कोई टॉकीज वाला तैयार नहीं था। बड़े मुश्किल से हमको बाबूलाल टॉकीज वाला तैयार हुआ, बहुत मुश्किल से, उसके बाद एक टॉकीज वाला मनोहर टॉकीज वाला तैयार हुआ, वो मनोहर टॉकीज बंद था बिलासपुर का, बंद टॉकीज को हम लोगों ने खुलवाया, क्योंकि जो बाकी के दूसरे टॉकीज थे 7-8 टॉकीज थे कोई तैयार नहीं थे, तो उस टॉकीज को खुलवा के हम लोग बंद टॉकीज में हम लोगों को पिक्चर लगाए, और कोई दुर्ग भिलाई का कोई टॉकीज वाला तैयार नहीं हुआ, तो दुर्ग में शारदा टॉकीज थी वहाँ लगाए, मतलब तीनों जो बी ग्रेड के टॉकीज में हम लोगों ने फिल्म लगाई तीनों जगह। कैसा रिस्पॉन्स रहा? उसके बाद जब फिल्म लगाई तो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि सेम डे पे मोहब्बतें और मिशन कश्मीर दोनों पूरे इंडस्ट्री के सारे स्टार, सही बात, इन दोनों फिल्मों में थे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, ऐश्वर्या राय, तो वो सब थे उसमें, तो अब वो थोड़ा लोगों ने उसको प्रेफरेंस दिया, मेरी फिल्म को नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन पब्लिक की काफ़ी भीड़ आई। अच्छा। और संडे को इतनी भीड़ आ गई कि हमको 600 करना पड़ा उसमें। अच्छा। उसके बाद से रेगुलर 500 में फिल्म चली है, रोज 500 होते थे फिल्म के, पाँचों के 500 फुल हो जाते थे। जोशी जी थे राज टॉकीज के मैनेजर, वो हर दिन आते थे बाबूलाल टॉकीज में, और बाहर हाउसफुल का बोर्ड देखते थे,
तो उनको विश्वास नहीं होता था, उनकी मोहब्बतें लगी हुई थी, उनको यकीन नहीं होता था कि ये पिक्चर कैसे हाउसफुल हो रही है और पाँच पाँच खेल में हाउसफुल हो रही है। वो जाकर के अंदर जाके झांक के देखते थे और देख के पसीना पोंछते बाहर निकलते थे, यार सही हाउसफुल है पिक्चर, पैर रखने की जगह नहीं। अच्छा, ओवर कैपेसिटी भर देते थे टॉकीज वाले, उसके बावजूद पाँच खेल में टिकट नहीं मिलती थी फिल्म के, और ये लगभग सब जगह पांच खेल हमने कर दिया। फिर फिल्म कितने में बनी थी और कितने का कलेक्शन आया लगभग? पिक्चर बनी थी उस समय 22 लाख में। ओके, और 2.25 करोड़ का कलेक्शन कमाई हुई है, कलेक्शन नहीं कमाई हुई, कलेक्शन तो कम से कम 3.5 करोड़ का होगा। अच्छा, हमारी आज भी दर्शकों के मामले में सबसे बड़ी हिट फिल्म है छत्तीसगढ़ की, सबसे बड़ी हिट फिल्म है। थोड़ा सा लगता है कि ये जो फिल्म है हरजन पगली फंस जावे, अभी जो आई थी मेरी फिल्म थी, वो फिल्म इसके लगभग अभी नंबर ऑफ ऑडियंस में इसके करीब है। अच्छा, हाँ, और अभी भी मेलों वगैरह में तो दिखाई जा रही है फिल्म, कहीं टॉकीज में भी होगी मेबी। हाँ, जन पगली ना, हाँ, टॉकीजों में तो नहीं है, मेले में चल रही थी लेकिन लॉकडाउन में फंस गई, अभी अच्छा नहीं चल रही है। तो इस तरह से फिर उसके बाद तो हिस्ट्री है फिल्म का मुर्चिया भैया का। इसके बाद से अब तक कुल कितनी फिल्में बन चुकी हैं? इसके बाद से अभी तक काफ़ी फिल्में बन चुकी है, 2.5। आपने कितनी फिल्में बना ली? हाँ, मैंने बनाई, इसके बाद मैंने 5 फिल्में बनाई। अच्छा, हाँ, सैया भैया के चलने का जो रीज़न था ना, जो मुझे लगता है एक तो वही जो कहानी जो था, उसके बाद जो कलाकार काम किए थे इसमें, जैसे अनुज को देखने के बाद लोगों को लगा यार बिल्कुल ऐसा ही हमारा छोटा बेटा है, एक बेटा हमारा ऐसा है। शेखर की एक्टिंग देखे, इतनी नेचुरल एक्टिंग किया उस फिल्म में उसके अंदर उन्होंने, तो उसको देखते थे लोगों को लगता था हमारा बड़ा भाई, हम बड़ा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा भाई बहन है, वो उनको अपना दिखते थे वो लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनको रॉ थे ये। लेकिन इन्होंने रॉ होने के बावजूद भी दोनों ने, शेखर ने और अनुज ने, फिल्म में इतना बढ़िया परफॉर्म किया था, इतना नेचुरल परफॉर्म किया था कि इतनी मतलब ऐसा परफॉर्मेंस फिर इनका देखने को नहीं मिला मेरे को, इतना बढ़िया लोग काम किए थे दोनों के दोनों कलाकार। ये भी सिर्फ फिल्म के सक्सेस की बहुत बड़ी वजह थी, म्यूज़िक बहुत बड़ा स्ट्रांग वजह था, जब बाबला बागची ने संगीत बनाया था वो म्यूज़िक बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं सोचता था यार मैं तो बम्बई से आया हूँ, ट्रेनिंग लेके आया हूँ, सिनेमा की ट्रेनिंग लेके आया हूँ, बाकायदा यहाँ पर सब फिल्में बना रहे हैं लोग सबके, ये लोग क्या बनाएंगे, इनको क्या आता है फिल्म, मैं ही रहूँगा, मेरे टक्कर में कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना, ऐसा मन में ऐसा लग रहा था। लेकिन हमेशा इस तरह का सोचना ना हमेशा गलत साबित होता है। सही बात। 6 महीने के अंदर एक फिल्म आ रही थी, माया दे दे माया ले ले, अनुज की थी, प्रेमचंद्राकर की फिल्म थी, तो उस फिल्म का प्रीमियर रखा था इन्होंने टॉकीज में, तो मैं वहाँ गया फिल्म देखने प्रीमियर पे। प्रीमियर पे मैं फिल्म देख रहा था और मेरे होश उड़ गए, मैं बोला यार ये तो सुपर हिट फिल्म है। अच्छा। और 6 महीने के अंदर आ गई है, तू सोच रहा था कि कोई नहीं आएगा और 6 महीने में तेरी फिल्म को टक्कर देने वाली एक फिल्म आके खड़ी हो गई है, बोले प्रेमचंद्राकर जी ने बना दी है। वो कमाल की कमर्शियल फिल्म थी। अच्छा। जबरदस्त, क्या गाने पिक्चराइज हुए थे उसके, क्या एक्शन हुआ था उस फिल्म का, तो मतलब छत्तीसगढ़ी ऑडियंस के लिए एक बिल्कुल नया चीज़ था, कंप्लीट सिनेमा पैकेज था वो। और देखा पिक्चर ने बिजनेस भी किया, टक्कर का बिजनेस किया सैया भैया के। अच्छा, तो वो ऐसी फिल्म मतलब 6 महीने के अंदर आ गई एक फिल्म। सोच उसके बाद प्रेमचंद्राकर ने फिर एक फिल्म बनाई परदेसी की मैं, और मैं बाबूलाल टॉकीज में उस फिल्म को देख के बाहर निकला प्रीमियर में, और फिल्म देखने के बाद कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे को, यार कितनी खूबसूरत फिल्म बना दी इस आदमी ने, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाया था सैया भैया, भाई इस आदमी ने दो दो फिल्में बना दी, एक तो सुपरहिट फिल्म बनाई, दूसरी कमाल की क्लासिक फिल्म बना दी। अच्छा, परदेसी की मैं, प्रेमचंद्राकर डायरेक्टर था उसका। तो देखा तो फिर मैं बोला नहीं मैं बनाऊंगा और फिर मैंने झनभुला बनाई। अच्छा। और उनसे अच्छे गाने पिक्चराइज किए, मतलब कंपटीशन ये था, क्रिएटिव कंपटीशन रखा मैंने उस तरह का नहीं, और बहुत गाने बहुत अच्छे पिक्चराइज किए थे फिल्म। अब झनभुला बनाई, झनभुला के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, हमको लगता था जिसको बोलो कि झनभुला माँ बाप कैसा टाइटल, कमाल का टाइटल है, थर्ड टॉकीज वाला बोलता था क्या टाइटल है। उस फिल्म में अनुज था, मेरी दूसरी फिल्म थी, अनुज सुपरस्टार था, मेरी दूसरी फिल्म थी। लेकिन जब टॉकीज में लगी फिल्म, 0 कलेक्शन, जब मेरा पैसा लगा उसमें से 20-25 लाख टूट गए मेरे, जब टूटे तो मैं डर गया कि यार मैं इतना पैसा लगा के फिल्म बनाऊंगा और मान लो फिल्म नहीं चली, जैसे इसका ओपनिंग हुआ नहीं चलती, मान लो नहीं चलती ये फिल्म, तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, और मेरा कोई और काम धंधा कुछ बिजनेस नहीं है, शादी हो चुकी थी, मेरा बच्चा भी हो गया था, तो मैं सोच रहा था फिर तो कैसे करूँगा, टेंशन में आ गया, उसी में डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। डिप्रेशन में इसलिए गया कि मैं सिनेमा 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 सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सिनेमा के बारे में सोचने वाला आदमी हूँ मैं,
और मैं सिनेमा नहीं बना सकता, मैं फिल्म नहीं बना सकता, इतनी बड़ी बड़ी दो दो हिट फिल्म बनाने के बाद मैं फिल्म नहीं बना पा रहा हूँ, वो ऐसा फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर। उसमें मैं डिप्रेशन में चला गया और एक कमरे के अंदर घुस गया 4-5 साल तक, कमरे में बाहर निकलता था नहाने के लिए, निकला बाथरूम जाने के लिए, या बाहर निकलता था तो सिगरेट वगैरह पीने के लिए बाहर निकलता था। लोगों से मिलना जुलना सब बंद, सब मिलना जुलना बंद। जैसे घर वाले देख रहे थे कि परेशान है, तो चाहते थे कि बाहर घूमे, कहीं घूमने जाए, तो बोलते थे चलो, वाइफ कहती थी चलो चलते हैं कहीं फिल्म देख के आते हैं, तो मैं जाओ यार तुम लोग देख के आओ। अच्छा। कभी बोलती थी चलो हमारे मायके चले जाते हैं वहाँ घूम के आ जाना, तो बोलते तुम लोग जाओ, उनको भेज देता था, मैं जाता नहीं, उस कमरे से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा। एक कमरे के अंदर स्ट्रेस, तो बिल्कुल वो भी जो हुआ मेरे साथ बिल्कुल फिल्मी है जो हुआ मेरे साथ। हकीकत में मैं एक दिन सुन लिया कि मेरी बेटी थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मेरी बेटी मम्मी को बोल रही थी कि सबके पापा काम पर जाते हैं, हमारे पापा नहीं जाते। अच्छा। मेरे पापा नहीं जाते काम पर, बोले। और ये बात मैं सुन लिया, इतनी बड़ी बात, और मेरे को बहुत बात बुरी लगी। मैं वाइफ को बोला ये बात, ऐसा ऐसा बोली, मेरे को अच्छा नहीं लगा, बोला। तो बोली सब लोग बोल रहे हैं आपको पता नहीं, बोली ये बात हर कोई बोल रहा है, बोले बोल सब मेरे मायके में, मेरे मायके में भी सब बोल रहे हैं कि क्या कर रहा है वो, घर में रहता है कहीं जाता आता नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, मायके में भी सब मेरे को बोल रहे हैं, सुन रही हूँ मैं बात। अच्छा। तो मैं बोला नहीं यार करना चाहिए कुछ करके। उसी समय एक फिल्म लगी थी वीडियो वाली फिल्म, और फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, वो गजब दिन भाई के। अच्छा। ये गजब दिन भाई के बनाई थी प्रकाश अवस्थी ने, वो बनाई थी, डिजिटल फिल्म बनाई थी और उसको थिएटर पे लगा दिया था। अच्छा। तो जब मैं वो फिल्म देखने गया था तो मैं लगा फिल्म देखने के बाद लगा यार तू फिल्म बनाई जा सकती इस तरह से, तो उसके पहले भी एक फिल्म आ चुकी थी, एक रवि अग्रवाल है उसकी फिल्म आ चुकी थी, उसी उसने डिजिटल तरीके से फिल्म बनाई थी और पर्दे पे लगा दी थी, वो फिल्म भी मैंने देखी थी, तब भी मुझे लगा था कि यार इस तरह से तो फिल्म बनाई जा सकती है और इसमें बहुत कम पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसे की फिल्म बनेगी नहीं, आराम सस्ते कम बजट में फिल्म बन जाएगा। तो प्रकाश मेरे को उसी समय बोला भैया मैं प्रोड्यूस करता हूँ फिल्म, आप बना दो। तो मैं सोचा यार अपना पैसा नहीं लगाता, अब मैं दूसरों के पैसे से खेलता हूँ, क्योंकि जो डर बैठ गया था दिमाग में। हाँ। तो मैं बोला ठीक है यार बनाता हूँ फिल्म, और रॉकी दासवानी को लेके आया कि ये प्रोड्यूस करेंगे फिल्म, उसको जानता नहीं था मैं, वो गरियाबंद के दोनों दोस्त थे आपस में। अच्छा। तो वो लेके आया रॉकी को, तो रॉकी और फिर बोला फिल्म बनाया हम लोगों ने, फिल्म बनाई माया। जब माया बना रहे थे तो रॉकी को सब बोल रहे थे, बहुत से लोग बोल रहे थे कि तू क्यों बना रहा है यार फिल्म, क्यों बना रहा है, पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं चल रही हैं। और उस समय वाकई झन बुलो माँ बापला के बाद कोई भी फिल्म नहीं चली थी, सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। अच्छा। सबकी फिल्में फ्लॉप हुई थी, सारे बड़े मेकर की फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो सब धीरे धीरे फिल्म बनाना बंद भी कर दिए थे, और साल में इक्का दुक्का ही फिल्में आ पा रही थी, वो भी इसी तरह की डिजिटल फिल्में आ रही थी। अच्छा। दो तीन साल से तो वही डिजिटल फिल्में, एक छोटी छोटी फिल्में आ रही थी, बड़ी अजीब अजीब सी। तो बोले तू क्यों बनाया फिल्म, फ्लॉप हो जाएगी फीचर, पैसा तेरा डूब जाएगा, हमको बोलता था हम कहीं और लगा देते, तेरे को नाम चाहिए ना तो एल्बम बनवा देते तेरे को। तो रॉकी कुछ बोलता नहीं था, मेरे को बहुत बुरी लगती थी ये बात जो बोल रहे। अब मैंने माया बनाई, फिर अनुज को लिया और शेख प्रकाश को, प्रकाश अवस्थी को लेकर के फिल्म बनाई, और जब वो फिल्म हम लोग लगाए पहले दिन टॉकीज में, और पता नहीं मैं आज भी हैरान हूँ कि उस पिक्चर को अच्छी ओपनिंग लग गई थी। अच्छा। बहुत अच्छी ओपनिंग लगी थी, जब ओपनिंग लगी थी तभी मेरे समझ में आ गया था, ऑडियंस का रिस्पांस जब मैंने देखा थिएटर में मैं समझ गया था कि ये पिक्चर हिट है, और वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। उस ज़माने में फिल्म ने 1.25-1.5 करोड़ का बिजनेस किया था। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी। उसके बाद से इंडस्ट्री का दूसरा फेज शुरू हुआ, जब वो फिल्म हिट हुई तो फिर से लोग शुरू हो गए, अब लोग सब डिजिटल फिल्म बनाने लग गए, डिजिटली रिलीज करने लगे, सस्ते में फिल्म बनने लगी, पूरा काम रायपुर में होने लग गया, हमको बम्बई जाने की जरूरत नहीं थी। रायपुर के मैंने माया में एक एक्सपेरिमेंट ये किया था कि पूरा काम रायपुर के स्टूडियोज़ में किया था, स्वप्निल। अच्छा। स्टूडियो में सब काम पूरा, हाँ पूरा पोस्ट प्रोडक्शन पूरा यहीं कर दिया, बम्बई गया नहीं, पहले बम्बई जाता था मैं, इस बार सब काम यहीं किया, और जो रिजल्ट उसका आया ऑडियो साउंड वगैरह हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया काफ़ी साउंड में, और करके उस साउंड को हम लोग सैम टैगिज में रोज जाके टेस्ट करते थे साउंड को, रिकॉर्ड करके। अच्छा। कि सही, जब हमको सही साउंड मिला तो हम लोगों ने जाके पिक्चर को ओके किया, और साउंड कमाल का था, फोटोग्राफी भी तुरंत ने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की थी, वो उस कैमरे से किए थे, कैमरे का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जिससे लोग शादी की शूटिंग करते हैं। अच्छा। उस कैमरे से हम लोगों ने, सोनी का कैमरा था छोटा Z7 या कुछ था कैमरा। खैर चर्चा ये है कि अब मोर छैया भैया 2
हाँ, लाने जा रहे हैं आप। हाँ, तो इसका इसकी कहानी क्या होगी, कौन से कलाकार नज़र आएंगे इसमें? देखो छैया भुइयां टू अगर मैं ला रहा हूँ तो लोगों के दिमाग में छैया भुइयां हैं जी, तो छैया भुइयां टू जो होगी ना उसमें छैया भुइयां का असर होगा, सिक्वल नहीं है, मतलब उसके जस्ट आगे की कहानी नहीं होगी, उसके आगे कहानी नहीं है, लेकिन छैया भुइयां जो मोर छैया भुइयां थी वो उसका अंडर करंट इस कहानी के अंदर भी होगा। अच्छा, हाँ, अनु शर्मा नजर आएंगे, मनमोहन सिंह, अनु शर्मा, शेखर सोनी, वो क्या था 20 साल निकल चुके हैं। हाँ, तो 20 साल निकल चुके हैं तो मैं अब इसको, मेरी कहानी फिर से कॉलेज में जाने वाली है। अच्छा, तो अब अनुज को कॉलेज में तो स्टूडेंट दिखा नहीं सकता, नहीं दिखा सकते कि फिर से कॉलेज में एडमिशन ले रहा है वो, सही बात, वो तो दिखा नहीं सकता मैं, तो इसमें नए लड़कों को लेकर के आऊँगा, नए जो आज के यंगस्टर्स हैं। अच्छा, तो कलाकार अभी तय कर लिए हैं? कलाकार अभी तय तो नहीं हुए हैं, अभी स्क्रिप्ट पे ही काम चल रहा है मेरा। अच्छा, स्क्रिप्ट और म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट और म्यूजिक पे काम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली क्या है, फैमिली बेस्ड कहानी है, लोगों को छैया भुइयां का फ्लेवर मिलेगा इसमें। अच्छा, लेकिन चीज़ें सारे सीन फ्रेश हैं, हर सीन पहले से कुछ मिलता जुलता नहीं है। अच्छा, लेकिन फ्लेवर छैया भुइयां का। कब शूटिंग होगी और कब रिलीज़ करने की प्लानिंग है? शूटिंग तो हम लोग इसको इसी साल करने वाले थे और इस साल मई जून में रिलीज़ करने वाले थे। अच्छा, तो फिर कोरोना के चक्कर में उसको रोकना पड़ा है, अब इसको हम लोग शूटिंग करने का सोच रहे हैं, जैसे ही वैक्सीन आएगी और जब खुलेगा पूरी तरह से खुल जाएगा, लोगों के मन से डर निकल जाएगा और हम लोगों को जब गांव में और कॉलेज में शूटिंग करने की परमिशन मिल जाएगी तो हम लोग शूटिंग करेंगे, हो सकता है इस साल ना मिले फिर एक साल और जा 2021 तक आ सकती है, 2021 भी में भी आ सकती है और हो सकता है ना भी आए। अच्छा, ये डिपेंड करता है कोरोना के ख़त्म होने पर, अगर कोरोना जल्दी ख़त्म हो गया तो हम लोग इसको शूटिंग, क्योंकि कॉलेज है और कॉलेज का लंबा चौड़ा सीक्वेंस है इसमें। अच्छा, जैसे जब भी हम कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी कलाकार का इंटरव्यू करते हैं या किसी डायरेक्टर का इंटरव्यू करते हैं तो अक्सर लोगों का कमेंट आता है हमारे पास कि हमें भी छत्तीसगढ़ी एक्टर बनना है, तो किस तरह से बन सकते हैं, तो क्या संभावनाएं हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें जो भी संभावनाएं हैं कि उन्हें मोर छैया भुइयां 2 में ऑफ़र मिल जाए, या वो किस तरह से छत्तीसगढ़ी कलाकार बन सकते हैं? देखो छत्तीसगढ़ी कलाकार बनने के लिए जो भी बनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि आप रंगमंच में जाइए, थिएटर में जाइए, रंगमंच में जाइए, वहाँ से जो आपकी ट्रेनिंग होगी एक्टिंग की वो वही ट्रेनिंग आपको काम में आएगी। आप अचानक सोचोगे कि मैं कभी कोई एक्टिंग नहीं किया हूँ, कभी कुछ नहीं किया हूँ, अपने आप को मिरर पे देखा हूँ, दर्पण में देखा और देखने के बाद सीधा आप आ जाओगे और बोलोगे नहीं मुझे फिल्मों में हीरो बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। मैंने निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ काम किया है अभी तक जिनका सिनेमा का कोई एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, जैसे अनुज है, शेखर है और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार उस तरह के मुझे ट्रेंड लोग चाहिए। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो पहले आप रंगमंच में जाइए, एक्टिंग की सीखिए, डांस सीखिए और अपने शरीर को अच्छा बनाइए, स्मार्ट दिखिए, हैंडसम दिखिए, क्योंकि आप खुद जब किसी फिल्म को देखते हैं और उसका हीरो स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है, गुड लुकिंग होता है, बढ़िया चार्मिंग लगता है, तो आप उसको पसंद करते हैं हीरो के रूप में। तो जब आप भी चाहते हैं कि ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को उस रूप में तैयार कीजिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ऋतिक रोशन का जो पिताजी है वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उसके बावजूद ऋतिक रोशन ने बहुत तैयारी की, मतलब वो सोचा कि मैं सबसे अच्छा डांसर बनूं, वो सोचा कि मैं सबसे अच्छा फाइटर बनूं, वो पहली फिल्म के पहले इतना तैयार होकर सिनेमा कैमरे के सामने आया था कि लोग देखते दंग रह गए। तो जब वो इतना कर सकता है तो आप सबको भी करना चाहिए, पहले तैयारी कीजिए और उसके बाद सिनेमा में आपका स्वागत है। एक आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा एक सवाल है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, सतीश जैन जी का जो असल सरनेम है वो जैन नहीं है। हाँ, ये बात मुझे कुछ समय पहले पता चली, पता नहीं आपके कितने परिचित या कितने फैंस ये बात जानते होंगे, तो इसकी कहानी क्या है, जैन सरनेम कहाँ से आया और असल सरनेम क्या है आपका? नहीं, मेरा सरनेम असल में जैन ही है। अच्छा, सरनेम जैन है लेकिन हम लोग मारवाड़ी जैन नहीं है। अच्छा, जो मारवाड़ी जैन होते हैं ना, श्वेतांबर दिगंबर जी, वो जैन नहीं है हम लोग। अच्छा, हम लोग हैं छत्तीसगढ़ के जो कलार होते हैं, जायसवाल, सिन्हा, वो सिन्हा होते हैं, जायसवाल होते हैं, डरसेना, वो डरसेना कलार वाले हम लोग जैन हैं। और हमारा जो कांकेर
इलाका है कांकेर में, मेरे मामा भी रहते कांकेर में, मेरे दादा का भी गांव कांकेर में ही है, और उस इलाके में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका सरनेम जैन है, और उस जैन सरनेम से कन्फ्यूज़न होता है। और मैंने पिताजी से पूछा तो बोले उनको भी नहीं मालूम, उनके पिताजी को भी नहीं मालूम कि जैन सरनेम कहाँ से निकल के आया, कैसे, किसने रखा पहली बार, किसने ये सरनेम उठाया, वो हमको किसी को आइडिया नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, जैन चल रहा है तो चल ही रहा है जैन। इससे बहुत जो कई बार बहुत सारे मारवाड़ी लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं जय जिनेंद्र बोलते हैं, मैं भी जय जिनेंद्र बोलता हूँ उनका, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम, सरनेम तो सरनेम है, उस पर क्या रखा है जी। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सतीश जैन जी को, फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने से लेकर मोर छैया भुइयां बनाने तक, और अब मोर छैया भुइयां पार्ट टू बनाने की जो कहानी है उसको लेकर आ रहे हैं, वो पूरी कहानी हमने उनके साथ अभी सुनी, चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।